क्लास 10 का जो आप लोग का लाइट चैप्टर चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा है, तो आज उसका लास्ट टॉपिक स्कैटरिंग जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। और आई टॉपिक था क्लास 10 में, जो इस बार सिलेबस से हटा दिया है, तो इसीलिए उसको अभी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि इसको कंप्लीट करके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म करना है पहले। ओके, तो डिस्पर्सन आप लोग का हम क्लियर कर चुके हैं, 2 या 3 वीडियो डाले हैं डिस्पर्सन का, जिसमें कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकली आप आंसर कर सकते हैं, इतना शॉर्ट हम कर दिया उसको। बस याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन का क्या रिलेशन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, और दोनों से तीसरा क्या रिलेशन बन रहा है। बस 3 फॉर्मूला हम डिराइव कर दिए थे। ओके, अब आते हैं स्कैटरिंग में। तो देखिए, स्कैटरिंग जो है वो नेचुरल फेनोमेना है, मेनली थ्योरी पूछेगा उससे रिलेटेड, लेकिन उसके लिए रेलाई साहब एक फार्मूला दे दिए थे, उसको याद रखेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो फॉर्मूला से पहले हम लोग थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है। या फिर जो बहुत दूर से कोई मान लीजिए सिग्नल देना होता है, तो सिग्नल रेड ही क्यों होता है। इन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट जानना जरूरी होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, जो लाइट रे अगर ट्रेवल करता है एटमोस्फेयर में, तो जो पार्टिकल्स है एटमोस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल हो, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो, तो उसपे जब लाइट पड़ता है तो वो लाइट रे को स्कैटर करता है। ठीक है, स्मॉलर जो डस्ट पार्टिकल्स है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो स्मॉलर लाइट को डेविएट करते हैं, लार्जर जो है वो सारे कलर को इक्वली स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो इससे 3-4 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिलता है। पहला क्वेश्चन हो गया व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, अब यहाँ पे वॉयलेट और ब्लू में आप लोग को लग रहा होगा, तो उसको भी हम बता देते हैं। दूसरा बात दिखता है क्या, कि सिग्नल क्यों रेड कलर का होता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग को मिलता है कि सनराइज जब होता है और सनसेट होता है, तो उस समय हम लोग को सनराइज और सनसेट के समय में कैसा दिखता है, सन ऑरेंजिस रेड नहीं, और जब आप नून में देखिएगा 12 बजे के अराउंड, तो उस समय सन कैसा दिखता है, व्हाइट, ऐसा क्यों होता है, एक ये भी क्वेश्चन इसमें आता है। तो हम लोग का स्कैटरिंग ऑफ लाइट में थ्योरेटिकली इसको आंसर करने के लिए तो बहुत सारा लंबा चौड़ा आपको लिखना पड़ेगा, बट न्यूमेरिकली इसको जो आंसर करेंगे उसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग का हेडिंग हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, इसके लिए न्यूमेरिकली आप लोग याद रखिएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/λ^4, वेयर आप जानते हैं लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, लैम्डा वेव लेंथ होता है। अब आप लोग याद कीजिए वीडियोर को, VIVGYOR, ये था ना वीडियोर, क्या है वीडियोर, तो व्हाइट लाइट जो है वो जब अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में देख करता है, तो ये वीडियोर हम लोग को मिलता है, जिसमें आपको हम रेंज बताए थे, इसका जो वेवलेंथ है उसका रेंज क्या होता है, तो अप्रोक्स हम ये बताए थे, नहीं आपके बुक्स में टेबल बना के दिया हुआ है, तो इसका 400 nm लिख दिया हुआ है, तो nm क्यों लिखे, तो 1 nm इज इक्वल टू 10 angstrom होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी एक यूनिट को बेसिक बना के उसका ध्यान रखिए और यूनिट का रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो अब इससे देखिए सबसे कम किसका होता है वेवलेंथ, वॉयलेट कलर का होता है सबसे कम वेवलेंथ, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का होता है। तो अगर हम स्कैटरिंग की बात करेंगे, तो स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, नहीं स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ में हमको क्या समझ में आया, कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम वो लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा। नहीं, वेवलेंथ जो है ब्लू लाइट का, ब्लू नहीं कहे वायलेट कहे, वायलेट लाइट का वेवलेंथ विजुअल रीजन में सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करेगा, वायलेट, यानी लिख सकते हैं स्कैटर्ड लाइट, किसका नाम देते हैं वायलेट, तो ये 1/λ^V^4 हो जाएगा, नहीं इज ग्रेटर देन स्कैटर्ड लाइट, इस कौन सा लाइट, स्कैटर्ड लाइट का कलर कौन सा देते हैं, रेड, और
और जानते हैं रेट क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा आर टू दी पावर 4, नहीं हो जाएगा या नहीं? अगर ये स्टेप नहीं समझ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग नोट में कर लेते हैं क्या स्टेप। देखिए, सिंस लैम्डा भी इज लेस देन लैम्डा आर, हेंस 1 बाई लैम्डा भी इज ग्रेटर देन 1 बाई लैम्डा आर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 1 बाई लैम्डा टू द पावर लैम्डा भी टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 1 बाई लैम्डा आर टू द पावर 4, नहीं? और अगर हम लेस देन लगाते हैं तो सीधे कम नजर आता है, बट इस पूरे रीजन को हम लोग को देखना है। तो यहाँ लेस देन कर दीजिए, दो बार लेस देन कर दिए, दो बार लेस देन का मतलब बहुत छोटा, यहाँ भी दो बार ग्रेटर देन तक कर देते हैं, बहुत बड़ा है। तो अब ये जानते हैं कि ये उल्टा है, तो क्या लिखेंगे, स्कैटर लाइट, कौन सा स्कैटर लाइट, तो स्कैटर लाइट वायलेट इज ग्रेटर देन स्कैटर्ड लाइट, कौन सा स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट। ओके, तो इससे हमको एक फॉर्मूला मिल गया है, जस्ट इस फॉर्मूला को अगर हम याद रखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से दो क्वेश्चन के आंसर हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पहले देखिए, एक तो क्वेश्चन पूछ देता है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, वायलेट नहीं पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, वायलेट इंडिगो और ब्लू तीनों ओवरलैपिंग सेम ही कलर का थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, वायलेट और ब्लू, ब्लू डीप होता है, वायलेट हल्का लाइट होता है, लेकिन होता है वो ब्लू कलर का ही लगभग पार्ट है। तो इसीलिए वायलेट इंडिगो नहीं करके ब्लू कॉमन लैंग्वेज में हम लोग उसको बोल देते हैं, बट होना चाहिए वायलेट। ओके, तो ये तीनों ओवरलैपिंग कलर है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लू बोलते हैं। तो जब भी सन से लाइट निकला, व्हाइट लाइट रे सन से आ रहा है अर्थ तक, तो सारा वायलेट कलर है वो क्या हो जा रहा है, स्कैटर्ड होते चला जा रहा है। तो स्कैटर्ड हो गया तो आसपास का जितना भी एटमोस्फेयर या एनवायरमेंट है वो कैसा दिख रहा है, वहां से वायलेट दिख रहा है, तो इसलिए स्काई आपको वायलेट दिखा। तो सबसे ज्यादा ये स्कैटर्ड किया, फिर उससे थोड़ा कम ये किया, उससे थोड़ा कम ये किया, उससे थोड़ा कम ये किया, और सबसे कम ये किया, यानी ये लाइट जो है कंटेन्ड है, फैला नहीं है चारों तरफ, कंटेन्ड है। तो आपके पास कौन सा कलर आ रहा है, रेड आ रहा है। इसीलिए जब भी कोई सिग्नल बनाते हैं, जैसे लड़ाकू विमान बन रहा है समुद्र में, सी में, दूर से हम लोग को सिग्नल देना है, तो उस समय सिग्नल को रेड बनाते हैं। क्यों रेड, तो ये सब कलर रहेगा तो स्प्रेड कर जाएगा, तो जहां से कैच करना है सिग्नल को वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जहां लाइट रे है इसी के चारों तरफ फैल के रह जाएगा। लेकिन इसका जो अपना रेडिश कलर है, ये तो स्कैटर्ड होगा नहीं, बहुत कम स्कैटर्ड होगा, तो बहुत दूर से ही ये रेड कलर दिख जाएगा, जबकि बाकी कलर इसके आसपास स्कैटर्ड हो चुका है। तो एक ही क्वेश्चन से, एक ही फॉर्मूला से दो आंसर मिल रहा है, एक कि सिग्नल रेड क्यों बनाया जाता है, तो उसका सबसे कम होता है स्कैटर्ड, इस फॉर्मूला से याद रखेंगे उसको, तो वो डायरेक्ट हम लोग को दिखता है। और स्काई क्यों है ब्लू दिखता है, तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है इसलिए। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि नून में सन हम लोग को व्हाइट दिखता है, और जब सनसेट या सनराइज होता है तो उस समय हम लोग को क्या दिखता है, रेडिश दिखता है, रेडिश ऑरेंज, कंप्लीट रेड नहीं दिखेगा, तो रेडिश ऑरेंज क्यों दिखता है, देखिए ऑरेंज और रेड का जो वेवलेंथ है वो आसपास है, इसलिए दोनों कलर जो है उसके पास बचा हुआ है, तो दोनों कलर का आपको मिक्सचर दिखता है। तो मान लीजिए अर्थ है, जब सन यहाँ था और उस समय पड़ रहा था अर्थ के सरफेस पे, तो यहाँ बहुत दूर से लाइट रे आ रहा है, सारा लाइट रे वायलेट जो है, इंडिगो, ब्लू, ये सब क्या हो गया है, सारा स्कैटर्ड हो गया है। इसका सबसे कम कौन स्कैटर्ड हुआ है, तो ऑरेंज और रेड, इसीलिए आपको ये दिखता है ऑरेंज इज रेड। सनसेट में भी यही बात होती है, लेकिन जब सन नून में एकदम अर्थ के ऊपर होता है, मतलब आपके सर के ऊपर आपको लगता है, तो एक तो इसको जो है डिस्टेंस कम कवर करना होता है, ठीक है, और दूसरा देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम लोग ऐसे भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में क्या देखे हैं कि जब नॉर्मली लाइट आता है, लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्ट भी नॉर्मली कर जाता है ना, सेम वे लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो रिफ्रैक्ट भी जो करेगा ये डिविएट नहीं करेगा, नॉर्मली ही चला जाएगा। तो सेम वे स्कैटरिंग में भी क्या होता है, जब लाइट एकदम सीधा आता है तो अगल बगल फैलता नहीं है,
उस समय आपको जो इसका ओरिजिनल कलर क्या था, सन का जो लाइट रे सन से निकलता है उसका तो व्हाइट कलर था, तो इसीलिए हम लोग को सन उस समय कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है, कोई भी कलर नहीं दिखता है। आकाश भी देखिएगा तो आपको लगभग व्हाइट दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब सनसेट और सनराइज हो रहा है तो उस समय हम लोग को कैसा दिखता है, आस पास का एनवायरमेंट या जो दिखेगा या स्काई ब्लू दिख रहा है और सन रेडिश ऑरेंज दिखता है, ओके। तो एक बेसिक फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, इसको रिलाई प्रिंसिपल बोलते हैं। इससे आपका जितना भी स्कैटरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा वो सारा इसमें सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो हम मान लेते हैं कि लाइट चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक बस टेस्ट पेपर आप लोग को इसमें डालेंगे, उसका फिर आंसर हम ही कर देंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है।